हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। देखेंगे बेटा, अपन चैप्टर वन पढ़ रहे हैं। चैप्टर वन विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। मैंने इस चैप्टर के आपको पूरे थ्योरिकल क्वेश्चन सिखा दिए और पूरे मैंने आपको डेरिवेशन भी सिखा दिए। पहले मैंने सब आपको थ्योरिकल सिखाए थे, इसके बाद फिर मैंने आपको डेरिवेशन सिखाए थे। और थ्योरिकल डेरिवेशन सिखाने के बाद अब बेटा ये चैप्टर अपना बिल्कुल एंड पर चल रहा है, ख़त्म पर चल रहा है चैप्टर अपना। जब भी कोई चैप्टर बेटा ख़त्म होता है तो उसमें मौखिक क्वेश्चन होते हैं। मौखिक क्वेश्चन बेटा वैसे तो पढ़ाने की जरूरत पड़ती नहीं है किसी भी टीचर को, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मौखिक क्वेश्चनों के आंसर बेटा दो दो लाइन के होते हैं, दो दो लाइन के आंसर होते हैं मौखिक क्वेश्चनों के। इसके दो कारण होते हैं बेटा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, मीडियम बच्चे होते हैं, वो क्या है, जो अपन ने बेटा पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, जिसमें अपन ने थ्योरिकल पढ़े हुए हैं और डेरिवेशन पढ़े हुए हैं, तो पूरे चैप्टर का लास्ट में एंड में निचोड़ रहता है, वो होते हैं मौखिक क्वेश्चन, दो दो लाइन के। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा क्या होगा, ऐसा वैसा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिनके दो दो लाइन के आंसर होते हैं। तो इंटेलिजेंट और मीडियम बच्चों को तो बेटा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो पूरा चैप्टर पढ़ चुके होते हैं तो उसी में से कहीं ना कहीं ढूंढ के उनको दिमाग में आंसर समझ में आ जाता है। और जो मीडियम या जो जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, देर से याद होता है, कम याद होता है बेटा उन्हें, तो इनके दो दो लाइन के आंसर होते हैं, तो वो बच्चे उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि दो लाइन का आंसर हर कोई बच्चा याद कर लेता है और याद भी हो जाता है, तो इनको बेटा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन तब भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, छोटे से छोटा क्वेश्चन, चाहे वो मौखिक क्वेश्चन क्यों ना हो किसी भी चैप्टर का, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, ताकि आपको कहीं से भी रटना ना पड़े और आपको पूरी फिजिक्स मेरे साथ मज़ेदार लगे। जैसे मैंने बोला हुआ है कि मैं मैजिक के तरीके से फिजिक्स पढ़ाता हूँ, एक छोटा सा मौखिक क्वेश्चन का आंसर मैं बड़ी आसानी से आपको याद करवाऊंगा। मैं बेटा आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरी फिजिक्स में, चाहे वो थ्योरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो मौखिक क्वेश्चन हो या वो न्यूमेरिकल हो, सब मैं बेटा आपको प्यार से खिलाऊंगा। बस डेली मेरे साथ बेटा पढ़ते रहिए। तो चैप्टर आज खत्म पर चल रहा है, तो जो मैंने आपके सामने कुछ मौखिक क्वेश्चन लिख दिए जिनका बहुत से क्वेश्चनों का आंसर आपको स्वयं भी समझ में आएगा, क्योंकि आपने मेरे साथ ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है थ्योरिकल और डेरिवेशन, तो आपको समझ में भी आएगा बेटा। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन इस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आप एक कार में जा रहे हैं, यानी आप कहीं सफ़र कर रहे हो बेटा, एक कार में जा रहे हो और बिजली गिरने वाली है। बिजली समझते हो बेटा, भगवान की जो बिजली तड़कती है, जब बारिश वगैरह होती है ना, तो भगवान की धूम धड़ाक वो बिजली चमकती है। अपने बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं वो किसी ना किसी पर गिरती अवश्य है, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हम एक कार में सफ़र कर रहे हैं और बिजली गिरने वाली है, तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे। हम कार में सफ़र कर रहे हैं, अपने घर में तो हम घर के अंदर पैक हो जाते हैं जब बिजली वगैरह तड़कती है, हम रास्ते में बेटा कार में सफ़र कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है बिजली तड़क रही है, कहीं हमारी कार के ऊपर ही ना गिर जाए। और बेटा कहीं कार के ऊपर अगर गिर जाएगी बिजली, तो हम उसमें जितने भी लोग बैठे हैं सबका पता भी नहीं चलेगा बेटा, है ना। पता क्यों नहीं चलेगा, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो बेटा भगवान की बिजली तड़कती है, जैसे हमारे घर की बात करते हैं, हमारे घर पर 220 वोल्ट का करंट आता है, कितना, 220 से लेकर 250 वोल्ट तक करंट आता है हमारे घर पर, ठीक बेटा। हमारे घर पर 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक करंट आता है, और कभी हमें धोखे धड़ाके से घर पे अगर करंट लग जाता है कहीं से धोखे धड़ाके से, क्योंकि वो कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, सब अपने मन से आदमी पकड़ेगा, लेकिन कभी भी कूलर वगैरह किसी से भी हमें जब 220 वोल्ट का करंट लगता है, तब भी हमें बेटा मज़ा आ जाता है, बस ई की आवाज़ निकलती है ऐसा मज़ा आ जाता है। हमें तो 220 वोल्ट के करंट में ही बेहतरीन मज़ा आ जाता है, उसमें सब ताले मारे सब याद आ जाते हैं अपन को। तो बेटा जब 220 करंट में हमारी वोल्ट में इतनी हालत होती है, जो भगवान की बिजली तड़कती है उसमें बेटा बताना चाहूँगा मैं, जो बिजली तड़कती है उसमें 6 मिलियन वोल्ट का करंट होता है, कितना बेटा, 6 मिलियन वोल्ट का करंट होता है जो भगवान की बिजली तड़कती है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही हर चीज़ से डरने लगता है। जब तक किसी को कोई जानकारी नहीं है,
तब तक चाहे कुछ भी होता रहे, बिजली तड़के या कुछ भी तड़के, उसे टेंशन कभी होती नहीं है बेटा। लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में अपन को नॉलेज होती है, अपन को ज्ञान होता है, तो फिर अपन को दिल में डर महसूस होता है। ऐसा होता है बेटा, है ना। जैसे कि अभी मान लो कोरोना की जो बीमारी चल रही है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इसके बारे में, वो तो इसको गंभीरता से ले रहे हैं और डरते भी हैं, तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बार बार साबुन से हाथ साफ कर रहे हैं। अब जिन लोगों को ज्ञान नहीं है बीमारी के बारे में, वो अभी भी ऐसा कहते घूमते हैं, अरे कोई कोरोना मुरो नहीं है, ऐसा वैसा। बेटा ये समझ लो कि जो पूरे देश विदेश मिलकर इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और सब लोगों ने, भारत सरकार ने भी, सब देशों ने मान लिया कि ये एक विशेष प्रकार की महामारी टाइप की बेटा है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें घर में सुरक्षित रहने की ज़रूरत है बेटा। जब कोई विशेष काम हो तभी हमें घर से निकलना चाहिए। वापस घर पर लौटने के बाद हमें साबुन से अपने हैंड वॉश करना चाहिए, है ना। तो हमें बिल्कुल केयरफुली रहने की ज़रूरत है बेटा। अभी कई महीनों सालों तक हमें केयरफुली रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन खुल भी जा रहा है बेटा, तो ऐसा मत समझिए कि कोरोना की बीमारी ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। हमें मास्क लगा कर ही बेटा घर से निकलना होगा, और घर से जब अपन वापस घर पर लौट कर आते हैं बेटा, तो हमें हैंड वॉश वगैरह करना चाहिए। कपड़े का हमारा मास्क है, तो उस मास्क को भी हमें धो के अच्छी तरीके से गर्म पानी में और सुखाने के लिए डाल देना चाहिए बेटा, है ना। तो ऐसा ही बेटा इसमें, जैसे कि भगवान की जो बिजली तड़कती है उसमें 6 मिलियन वोल्ट का करंट होता है, हमें तो 220 वोल्ट में ही मज़ा आ जाता है जब करंट कभी धोखे लग जाता है। तो अब 6 मिलियन वोल्ट का मैं मतलब समझा देता हूं बेटा। जो 1 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन, उसमें 10 लाख होता है, 10 लाख वोल्ट होता है। यानी 1 मिलियन का मतलब क्या है, कितना करंट है उसमें, 10 लाख वोल्ट का करंट है। कितना करंट है, 10 लाख वोल्ट। अब 6 मिलियन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 6 मिलियन में कितना हो जाएगा, 60 लाख वोल्ट। कितना करंट हो गया, 60 लाख वोल्ट, 60 लाख और बोल्ट, ठीक बेटा। हमें तो 220 वोल्ट के करंट में ही मज़ा आ जाता है। अब 60 लाख वोल्ट का करंट अगर हमारी कार के ऊपर गिर गया, तो हमारी कार और हम खुरपी से भी नहीं छूटेंगे सड़क से, ऐसे चिपक जाएंगे कि खुरपी के चुटाने से भी हम सड़क से नहीं छूटेंगे। तो बेटा कभी हल्के में मत लिया करो। जब भी हमारी बिजली तड़क रही है भगवान की, उसमें 6 मिलियन वोल्ट का करंट होता है, इसलिए उसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। 60 लाख वोल्ट का करंट अगर हमारी बॉडी पर या कार की बॉडी पर गिर जाए, तो हम लोग खुरपी से भी नहीं छूटेंगे, खुरपी से भी छूट जाएँ। इसलिए कभी लाइटली नहीं लेना। कभी भी हम कार में बेटा सफ़र कर रहे हैं और बिजली गिरने वाली है, तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे करोगे। तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कार के दरवाजे तो बंद सब रहते हैं बेटा, कार की खिड़कियां भी बंद कर लिया करो। कोई भी खिड़की इतनी सी भी खुली नहीं रह जाए बेटा। कार के दरवाजे तो सब बंद हैं, कार की खिड़कियां भी सब बंद कर लिया करो। जैसे बेटा आप कार की सब खिड़कियां बंद कर लेते हो, तो कार अपनी बन जाती है हॉलो कंडक्टर। क्या बन जाती है, हॉलो कंडक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं खोखला चालक। जब आप कार के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लोगे, तो आपकी कार अंदर से क्या बन जाएगी, खोखला चालक। पूरी खोखली तो होती है, तभी तो उसमें अपन लोग बैठे रहते हैं, तो वो बेटा खोखला चालक बन जाएगी। और ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है कि खोखले चालक पर हमेशा बाहरी पृष्ठ पर करंट रहता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, उसके अंदर विद्युत चित की तीव्रता शून्य होती है, और उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर अपनी गाड़ी खोखले चालक की तरह कार्य करेगी और भगवान की जो बिजली तड़क रही है जिसमें 6 मिलियन वोल्ट का करंट होता है, तो बेटा अगर वो हमारी कार पर, अगर हमारी कार पर बाई चांस गिर भी गया वो करंट, और हमारी खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हैं, तो हमारी कार उस समय बेटा खोखले चालक का काम कर रही होगी, और वो पूरा का पूरा आवेश कार की बॉडी पर रहेगा, क्योंकि अंदर उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। तो बेटा कार जब खोखले चालक की तरह कार्य करेगी, तो पूरा आवेश कहाँ रहेगा, कार की बॉडी पर रहेगा, और कार की बॉडी से वो पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा, पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी अपनी इतनी विशाल चालक है, इतना बड़ा चालक है, कि उसको कितना भी आवेश दे दिया जाए बेटा, या फिर उससे कितना भी आवेश ले लिया जाए, उसके विवाह पर कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो अगर हमारी कार पर बिजली गिर भी जाएगी और हमारी खिड़कियां बेटा सब बंद हैं तो हमारी कार खोखले चालक की तरह कार्य करेगी और कार की बॉडी का जो संपूर्ण आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी में चला जाएगा तो बेटा हम सुरक्षित रहेंगे। बात बेटा समझ में आ रही ना? तो कभी भी अगर ऐसा होता बिजली तड़क रही है तो कार के दरवाजे बंद रहते हैं, उसकी खिड़कियाँ भी सब बंद कर लिया करो, जिससे कार हमारी खोखला चालक बन जाती बेटा। तो पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा? कार की बॉडी पर जो बाहरी आवेश होगा पूरा पृथ्वी में समा जाएगा बेटा और हम सुरक्षित ही रहेंगे। बात बेटा समझ में आ रही है? तो इसका आंसर बड़े प्यार से आप समझ सकते हो बेटा कि आप एक कार में जा रहे हो और बिजली गिरने वाली है तो हम कार के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लेंगे, जिससे कार हमारी खोखला चालक बन जाएगी और कार की बॉडी पर से पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। बात बेटा समझ में आ रही है? ठीक, अगले क्वेश्चन पर बेटा अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। चिड़िया खुली उच्च शक्ति की विद्युत लाइन पर बैठी है तो उसे कुछ नहीं होता। चिड़िया खुली उच्च शक्ति की विद्युत लाइन पर बैठी है तो उसे कुछ नहीं होता, किंतु जमीन पर खड़ा व्यक्ति जब उस लाइन को छू लेता है तो उसे गहरा झटका लगता है, क्यों? आपने देखा बेटा जितने भी पंछी वगैरह होते हैं वो किसी भी नग्न लाइन पर जाके बैठ जाते हैं। जो लाइन पर पीवीसी नहीं चढ़ी है, नग्न लाइन है, उस पर जाके बैठ जाते हैं और उससे उड़ भी जाते हैं, तो उनको करंट नहीं लगता। और पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति कोई अगर उस लाइन से टच हो जाता है या उसका हाथ लग जाए, कोई भी चीज़ टकरा जाए उससे, तो उसको गहरा झटका लगता है, क्यों? ऐसा बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है अपन से। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, चाहे अपन स्वयं हो, चाहे पंछी हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो एक्सपेरिमेंट बेटा, करेंट लगने के लिए विद्युत परिपथ का पूरा होना आवश्यक होता है। जब तक अर्थ करंट दोनों नहीं मिलेंगे तब तक करंट किसी को नहीं लग सकता। तो इसका मतलब क्या होता कि करंट को लगने के लिए चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो विद्युत परपथ का पूरा होना आवश्यक होता है। जब तक विद्युत परपथ पूरा नहीं होता तब तक करंट नहीं लग सकता। जैसे पंछी किसी लाइन पर बैठा हुआ है उसको करंट नहीं लगता, अगर हम भी उस लाइन को ऐसे लटक के पकड़ लें कि हमारा पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए या किसी चीज़ से हम टच नहीं होना चाहिए तो बेटा हमें भी फिर करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं है तो हमें भी अर्थिंग नहीं मिलेगी तो हमें भी करंट नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने ऐसा मान सकते हैं जैसे घर पर अपना टेस्टर बत्ती होती है, टेस्टर बत्ती को जब अपन बोर्ड में डालते हैं जलाने के लिए, जब तक पीछे उस पर उंगली नहीं रखते, उस पर जो लोहा लगा रहता है उस पर उंगली नहीं रखते तो उसको अर्थिंग नहीं मिलती है। करंट तो मिल रहा है लेकिन अर्थिंग नहीं मिल रही है तो वो टेस्टर बत्ती नहीं जलती है। या फिर आप जूते वगैरह पहने हुए पैरों में लकड़ी के स्टूल पर खड़े हुए हो आप और फिर टेस्टर बत्ती को जलाते हो तब भी नहीं जलती, क्योंकि आप जूते पहने हो तो क्या नहीं मिल रही है? अर्थिंग नहीं मिल रही है। तो टेस्टर बत्ती को जलाने के लिए बेटा नंगे पाँव जमीन पर खड़ा होना आवश्यक होता है, तभी बत्ती हमारी उंगली से अर्थिंग मिलती है तब जलती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, पंछी जब किसी लाइन पर बैठे होते हैं तो उन्हें झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनका विद्युत परपथ पूरा नहीं होता है, और जब जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति उस लाइन को छू लेता है तो क्या हो जाता है? जमीन से हमें अर्थिंग मिल रही है तो क्या हो गया बेटा? हमारा विद्युत परिपथ पूरा हो गया, इसलिए हमें गहरा झटका लगता है और ख़तरनाक करंट लगता है। सिंपल से आंसर मैंने पहले बोला आपको, सबके दो दो तीन तीन लाइन के आंसर रहते हैं, मौखिक क्वेश्चन रहते हैं बेटा, ये चैप्टर का निचोड़ है, वैसे भी आप लोग इनको सीख सकते हो, दो दो लाइन के एक बार रिवाइज कर लेते हैं याद हो जाते हैं, तब भी मैं आपको बेटा छोटे छोटे सब क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, चिड़िया को करंट क्यों नहीं लग रहा बेटा? क्योंकि उसका विद्युत परपथ पूरा नहीं हो रहा, और जमीन पर खड़ा व्यक्ति जब उस लाइन को छू रहा है तो उसको जमीन से अर्थिंग मिल रही है, उसका विद्युत परपथ पूरा हो रहा है बेटा, इसलिए उसको गहरा झटका लग रहा है। बात बेटा समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो बेटा आपको भली बात मालूम होगा, मैंने कई बार चर्चा की है इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। इतना कुछ नहीं पढ़ने में कुछ बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा, कई बार मैंने चैप्टर शुरू हुआ तब भी मैंने समझाया था, अपन पेन को या कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो उसमें क्या बन जाती बेटा? घर्षण विद्युत। उस घर्षण विद्युत के कारण कंघी हमारे वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे आकर्षित
करने लगती है ना बेटा। तो इसका आंसर तो आपको मालूम है, सूखी बालों में कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। तो कैसे बेटा आकर्षित कर लेती है, जब हम बालों से सूखे बालों से जब हम कंघी को या पेन को रगड़ते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, आवेश यानी घर्षण विद्युत बन जाती है, जिसके कारण बेटा कागज़ के टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं। आगे क्या करो बेटा क्वेश्चन में, क्या होगा यदि बाल गीले हों। ये तो आप भी समझदार हो, आपके बाल गीले हैं, आप नहा के आए हुए हो या सिर धो के आए हुए हो, उस समय आप कंघी और पेन को बालों से रगड़ोगे तो क्या कागज़ के टुकड़े चिपकेंगे, नहीं। या फिर बरसात का दिन हो, बारिश हो रही हो, जब बारिश हो रही होती बेटा तब हमारे बालों में नमी रहती है, तो जो नम वायु होती है तो हमारी कंघी पेन में जो आवेश बनता है वो नहीं बन पाता है, नम वायु उस आवेश को प्रवाहित कर देती है, नम वायु उस आवेश को प्रवाहित कर देती है यानी निष्क्रिय कर देती है उस आवेश को, इसलिए फिर वो कागज़ के टुकड़ों को नहीं चिपका पाती है। बात बेटा समझ रहे ना। तो सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है, क्यों कर लेती है बेटा, क्योंकि जब बाल ड्राई होते हैं सूखे होते हैं तो हमारे पेन या कंघी में क्या बन जाता है, घर्षण बल बन जाता है यानी घर्षण विद्युत बन जाती है यानी वो ऊर्जा बन जाती है, उसके कारण आकर्षित हो रहे हैं कागज़ के टुकड़े बेटा। क्या होगा यदि बाल गीले हों या बरसात का दिन हो, बाल गीले हों या बरसात का दिन हो तो नम वायु जो होती है वो हमारे आवेश को निष्क्रिय कर देती है, मतलब प्रवाहित कर देती है, इसलिए कागज़ के टुकड़े फिर उससे नहीं चिपक सकते। बात बेटा समझ आ रही ना। ये जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चनों के आंसर या डेरिवेशन के आपको अगर रिवाइज करने के लिए चाहिए तो प्ले स्टोर पर मेरी ऐप पड़ी हुई है मनोज सर के नाम से, उसमें नोट्स वाला ऑप्शन आपको खोलना बेटा, उसमें सारों के आंसर सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे आप बाद में रिवीजन कर सको बेटा। तो नोट्स पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से आप मेरी ऐप को डाउनलोड करो, मनोज सर के नाम से मेरी ऐप है उसमें बेटा, तो उसमें आपको नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कभी भी आपको अगर रिवीजन करना है नोट्सों का तो उसमें चैप्टर वाइज नोट्स डले हुए बेटा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन बेटा, अपने तीन क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अपन चौथे क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले यानी समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है क्या। एक तो है अपना खोखला गोला, एक कैसा गोला है अपना खोखला गोला, एक कैसा गोला है अपना ठोस गोला, पूछ रहा है क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो इसका आंसर बेटा नहीं दिया जा सकता, यानी चाहे वो ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो किसी को भी अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता, जितना खोखले गोले पर आवेश रहता है उतना ही आवेश समान त्रिज्या वाले ठोस गोले पर भी रहता है। तो पूछ रहा था क्या ये खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो आंसर होगा बेटा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, अभी मैंने ऊपर कार वाले आंसर में समझाया था बेटा आपको। तो बेटा सिंपल सी बात है, खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है और त्रिज्याएं दोनों की कैसी हैं समान। जब त्रिज्याएं समान है बेटा तो चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो तो किसी को भी अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आवेश बेटा हमेशा बाहरी पृष्ठ पर रहता है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है कि खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो आंसर लिख दिया नहीं, क्योंकि आवेश हमेशा बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऐसा केवल बेटा आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा अपन, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कैपिटल एफ बल लगता है, कितना लगता है कैपिटल एफ बल लगता है, उतनी ही दूरी पर रखे दो प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगेगा। देखते हैं बेटा, जैसे सपोज दैट ऐसे देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन, तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, अब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कितना बल लगता है कैपिटल एफ बल लगता है, कितना बल लगता है कैपिटल एफ बल लगता है, उतनी दूरी पर बेटा दो प्रोटॉन बना दो, क्वेश्चन में कह रहा है ना उतनी दूरी पर दो प्रोटॉन बने हुए, तो उतनी ही दूरी पर रखे दो प्रोटॉनों के बीच में कितना बल लगेगा।
सिंपल सी बात बेटा, एक सेकंड में आपको इसका आंसर समझ में आएगा। ये समझ लो बेटा, जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, यानी जितना आवेश इलेक्ट्रॉनों पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉनों पर भी होता है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉनों पर होता है बेटा उतना ही आवेश प्रोटॉनों पर भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ऐसा मान लो जैसे कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में 2 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना? 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में बेटा अगर 2 न्यूटन का बल लग रहा है तो दोनों प्रोटॉनों के बीच में भी 2 न्यूटन का बल ही लगेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है बेटा उतना ही आवेश प्रोटॉनों पर भी होता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर 2 न्यूटन का बल लग रहा है और जितना इलेक्ट्रॉनों पर बेटा आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉनों पर भी होता है, तो प्रोटॉनों पर भी कितना बल लगेगा? 2 न्यूटन का ही। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच कैपिटल एफ बल लगता है। कितना? कैपिटल एफ। तो उतनी ही दूरी पर रखे 2 प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगेगा? जैसे यहाँ समझाया 2 न्यूटन बराबर लगेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉनों पर भी होता है। तो बेटा अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच कैपिटल एफ बल लगता है, तो बताओ आप आंसर, 2 प्रोटॉनों के बीच में भी कितना लगेगा? जब इस पर 2 न्यूटन है, अब इस पर एफ बल लगा रहा है क्वेश्चन में, तो 2 प्रोटॉनों के बीच में भी कितना बल लगेगा बेटा? कैपिटल एफ बल ही लगेगा। बात बेटा समझ आ रही? तो यही आंसर लिखना है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर कैपिटल एफ बल लगता है तो उतनी दूरी पर रखी 2 प्रोटॉनों के बीच में भी कैपिटल एफ बल ही लगेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है बेटा उतना आवेश प्रोटॉनों पर भी होता है। बात बेटा समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ से किस प्रकार भिन्न होता है? एक परावैद्युत पदार्थ, यानी परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ मतलब जिसमें करंट नहीं आता वो परावैद्युत पदार्थ, और कुचालक पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ भी वही जिसमें करंट नहीं आता वो कुचालक पदार्थ। तो पूछ रहा है परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ से किस प्रकार भिन्न होता है। सिंपल सा आंसर बेटा कि जो अपना परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ जब इसे अपन विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो एक निश्चित समय सीमा के बाद ये ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है, जबकि कुचालक पदार्थ बहुत अधिक सीमा तक भी जाके ध्रुवित नहीं होता। यही दोनों बस केवल विशेष कारण है बेटा, इसलिए इनको परावैद्युत पदार्थ के नाम से जानते हैं और इनको कुचालक पदार्थ से नाम से जानते हैं, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो ध्रुवित हो जाते हैं, जबकि कुचालक पदार्थ बहुत अधिक सीमा तक भी जाके ध्रुवित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा अपना। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं? क्या कह रहा है, क्या किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं? तो मैं समझा देता हूं बेटा आपको, कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, किसी भी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बेटा कभी भी बंद वक्र नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर में सिखाया हुआ है कि ऐसे धन आवेश और ऋण आवेश, और विद्युत बल रेखा कहाँ चलती हैं बेटा? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब जी वापस लौट कर तो आती नहीं, चुंबकीय बल रेखा तो चुंबक के बाहर चलती थी N से S, मैंने इस चैप्टर में आपको समझाया था, और चुंबक के अंदर चलती थी S से N। तो बाहर N से S और अंदर S से N, तो चुंबकीय बल रेखाओं का वक्र तो कैसा बन जाता था बेटा? बंद वक्र बन जाता था। लेकिन विद्युत बल रेखाओं को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये बेटा धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो ये वापस नहीं लौटते, देखो इधर से गई, इधर से लौट के नहीं आई, तो वक्र कैसा हो गया बेटा? अपना खुला वक्र हो गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था बेटा कि क्या किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं? तो आंसर लिखना है नहीं बनाती हैं, किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं।
क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि वे धन आवेश से प्रारंभ होकर और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बेटा बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि वे धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। बात बेटा समझ में आ रहा है? ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्या करें अगला क्वेश्चन? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों हो जाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों हो जाता है? इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ बेटा। जैसे अपना जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया हुआ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र को ई से नोट करते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में सभी बल रेखाएं बेटा एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र तो क्वेश्चन करा ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों होता है? अब जैसे इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं अपन, जी रख दिया विद्युत द्विध्रुव ए बी, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है। और इस विद्युत द्विध्रुव पर मैंने आपको इस चैप्टर में एक डेरिवेशन पढ़ाया हुआ है बेटा कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पढ़ाया हुआ है, बल आघूर्ण। तो उसमें ऐसा चित्र बनाते हैं अपन बल आघूर्ण, जिसमें सिद्ध किया अपने टाऊ यानी टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, ऐसा अपन ने सिद्ध किया हुआ है। तो उसमें ये चित्र बनाते हैं। तो आपको ध्यान होगा उस डेरिवेशन को करते समय इधर की साइड लगाया था अपन ने क्यू ई बल, और इधर की साइड भी लगाया था अपन ने कौन सा क्यू ई बल। ये दोनों बल एक ही क्षेत्र के कारण लगते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण ही ये बल लगते हैं। तो इधर लगाया अपन ने क्यू ई बल और इधर भी लगाया अपन ने क्यू ई बल, दोनों साइड एक सा बल लगता है। ये बल जो लगते हैं बेटा परिमाण में तो समान होते हैं। परिमाण में कैसे होते हैं जी? परिमाण में समान, क्योंकि एक ही क्षेत्र के कारण लग रहे हैं बेटा, तो परिमाण में तो समान होते हैं। लेकिन इनकी दिशाएँ विपरीत होती हैं। दिशाएँ कैसी होती बेटा? विपरीत दिशाएं, विपरीत, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। तो ये परिमाण में तो होते हैं बल समान, परंतु इनकी दिशाएं कैसी होती हैं? विपरीत। अब जो परिमाण में बल समान है, जैसे मान लो ये 4 न्यूटन का लग रहा है और ये भी 4 न्यूटन का लग रहा है, तो परिमाण तो हो गए इनके समान और दिशाएं कैसी होगी इनकी? विपरीत। अब जैसे मान लो क्यू ई और जैसे विपरीत जा रहा है, तो ये माइनस का क्यू ई, जी आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्रव, ये माइनस चिन्ह क्यों आया है? क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए माइनस चिन्ह आया हुआ है बेटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर अब बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि नेट बल शून्य इसलिए हो जाता है क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत द्विध्रुव रखते हैं बेटा, तो उस पर जो बल लगते हैं वो परिमाण में तो समान होते हैं, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। दिशाएं विपरीत होने के कारण वो दोनों कट जाते हैं, तो नेट बल कितना प्राप्त हो जाता है अपन को? नेट बल बेटा अपन को शून्य प्राप्त हो जाता है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव किस अवस्था में स्थायी संतुलन में होगा? किस अवस्था में किस में होगा वो? स्थायी संतुलन में। सिंपल सी बात बेटा, ये रखा हुआ है अपना विद्युत द्विध्रुव, अब ये पूछ रहा है ये कब संतुलन की स्थिति में होगा, कब होगा ये बेटा ये संतुलन की स्थिति में? तो देखो अभी तो ये ऐसे में रखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा थीटा, मतलब कोई ना कोई कोण बनेगा। अब ये स्थायी संतुलन की स्थिति में कब आएगा? जैसे ही ये घूमकर विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे आ जाए बिल्कुल, यानी इसका जो कोण है थीटा वो 0 डिग्री हो, यानी जब वो विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, जब बेटा वो विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तब वो किस में होगा? स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। बात बेटा समझ में आ रही है? देखो मैंने इतने सारे जो मौखिक क्वेश्चन थे जिनके बेटा 2-2, 3-3 लाइन के आंसर हैं, वो भी मैंने आपको प्यार से बेटा सभी मौखिक क्वेश्चन समझाए। हालांकि इन क्वेश्चनों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं थ्योरिकल और डेरिवेशन, तो ये क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप भी समझ में आने लगते हैं। इनके आंसर भी 2-2 लाइन के आंसर, 3-3 लाइन
वाक्यांश रहती हैं जो बच्चा बेटा एक बार रिवाइज कर लेता है, याद कर लेता, तब भी उसको याद हो जाते हैं। लेकिन तब भी बेटा मैंने मौखिक क्वेश्चन पूरे समझाए आपको, जो चैप्टर के एंड में रहते हैं पूरे मौखिक क्वेश्चन समझाएं, और आशा करते हैं बेटा हर किसी का आंसर आपको फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में भी आया होगा बेटा। अब इनके आंसर रिवाइज करने के लिए प्ले स्टोर से आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, मनोज सर के नाम से मेरी ऐप है बेटा। उसमें नोट्स में जाके चैप्टर 1 निकाल के इन सबके आंसर भी आप पढ़ सकते हो बेटा। अगर आपको मेरे समझाया हुआ वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो बेटा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप लोग बताया करो बेटा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, अगर आप कमेंट करके बताते रहोगे मुझे कि आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मैं बेटा और भी मेहनत करके आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।